Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पांच लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करा दिए। एहतसाब अदालत ने वजीर खजाना को असासा इजात रेफरेंस में 27 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद की जाएगी। सियासी मंजरनामे पर फिर हलचल। नवाज शरीफ वापसी। पंजाब हाउस इस्लामाबाद में नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास। मौजूदा सूरत हाल पर सुलह मशवरा। साजिशें जारी रहती हैं मगर उनका मुकाबला भी होता है। 2018 के खौफजदा अनासिर नवाज शरीफ पर करप्ट होने का इल्जाम लगाते हैं। नवाज शरीफ ने 4 साल मुल्क की खिदमत की। सेनेटर मुशाहिदुल्ला। तो साजिशें भी जारी रहती हैं, खेल होता रहता है, शोर मचता रहता है, दाद बढ़ती रहती है और उसका मुकाबला भी होता रहता है। हमने गैर जमहूरी कुव्वत है, जो जमहूरियत के दुश्मन है इस मुल्क में, जो इस मुल्क के करप्ट तरीन लोग हैं वो नवाज शरीफ को करप्ट इसलिए कहते हैं कि उन्हें मालूम है कि 2018 में उनके साथ क्या होने जा रहा है। सानिहा मॉडल टाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट रोकने के लिए दायरा पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने हमारा मौकफ समझे बगैर फैसला दिया। अपील में मौकफ। कराची के इलाके शफीक मोड़ पर गत्ते के गोदाम में लगी आग पर 10 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मेयर कहते हैं कि वसाइल नहीं, कई गाड़ियां खराब पड़ी हैं। पहले ही कहा था बयाक वक्त दो जगह आग लग जाए तो बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। सिंध हुकूमत पैसे नहीं तो सामान ही लेकर दे दे। भावल नगर में नाम निहाल पंचायत के हुक्म पर रेप होने वाली लड़की की आवाज आज न्यूज ने उठाई तो पुलिस भी हरकत में आई। FIR में नामजद मजीद दो मुलजिमान को पकड़ लिया। मुकदमे में वनी एक्ट की दफा शामिल। अमरीका जेम्स मैटिस आज भारत पहुंचेंगे। भारतीय हुकूमत की जानिब से कालाधन TTP की पुश्त पनाही करने का मामला उठाएंगे। अमरीका ने शिमाली कोरिया, चाड और वेंजुएला के शहरियों को भी सफरी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। सदारती फरमान जारी। हुक्काम का कहना है को महफूज बनाना अव्वलीन तरजीह है। किसी ऐसे शख्स को मुल्क में दाखिले की इजाजत नहीं दे सकते जो खतरे का बायस हो।